नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आप सेहत लें, आपको अंदाजा लगेगा कि कोरोना का वायरस कितना बड़ा खतरा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय दुनिया के बड़े बड़े मुल्क इस संघर्ष का सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 10,000 के आंकड़े को पार कर गई है। अब तक कुल 10,405 लोगों की मौत हो चुकी है और इटली इस लिस्ट में सबसे आगे है, चीन को पीछे छोड़ दिया है। इटली में पिछले 48 घंटों के अंदर, शब्दों पर ध्यान दीजिए, सिर्फ 48 घंटों के अंदर 902 लोगों की मौत हुई है। इटली में हर घंटे करीब 20 लोग मरे हैं, यानी हर मिनट में 3 लोगों की मौत हो रही है। हालत यह हो गई कि कब्रगाहों में शवों को दफनाने के लिए जगह नहीं बची। इटली में सेना को तैनात करना पड़ा, सैनिक इन शवों को एक दूसरी जगह पर ले जाकर दफना रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तेज रफ्तार से कोरोना के मरीजों की मौत हो रही है वो डरावनी है। इटली में इस वक्त 41,000 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, जबकि फ्रांस में 10,000 से ज्यादा मरीज हैं। जर्मनी में 11,000 लोग कोरोना के मरीज हैं, वहां अब तक 20 लोग मर चुके हैं। स्पेन में 17,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक होटल को टेम्पररी हॉस्पिटल रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहां फेस मास्क की जबरदस्त किल्लत है, और तो और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में फेस मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की कमी हो गई है। इसीलिए कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, दुनिया ने ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा। और कोरोना का वायरस कैसी तकलीफ देता है, इसका एहसास आपको ये वीडियो देखकर होगा। ये वीडियो मुझे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर भेजा है। वीडियो ब्रिटेन के एक पेशेंट का है। आप इनकी बात को ध्यान से सुनिए। If anyone is thinking of taking any chances, just take a look at me. I'm in the intensive care unit. I can't breathe without this. They've had to sew that into my artery. I've got cannula, another cannula, and a catheter. I'm actually 10 times better right now than what I was before. I don't even know, I've lost count of the days. If anyone still smokes, put the cigarettes down, because I'm telling you now, you need your and please, none of you take any chances. I mean it, because if it gets really bad, then you're going to end up here. Okay? Thank you for all your lovely messages. I really appreciate it. And my body is fighting this. I've not seen Richard, I've not seen the girls since Friday. And I'm just going to fight this. So once again, don't take any chances. मैं नहीं जानता ये लेडी कौन है, लेकिन इसकी बात दिल को चीर कर गई। इतना दर्द, इतनी तकलीफ। और महिला की गलती क्या थी? उसने कोरोना को शुरू में सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए वो कह रही है डोंट टेक एनी चांसेस। आज ये महिला अपने बच्चों से, अपने पति से मिलने के लिए तरस गई। जो दर्शक अंग्रेजी नहीं समझते उनके लिए इन महिला की बात को हिंदी में हमने डब किया है ताकि सब लोग आसानी से समझ जाएं, और मैं चाहता हूं एक बार फिर से इसको आप सुने। Anyone is thinking
अगर कोई सोच रहा है कि वो इस बीमारी को लेकर लापरवाही बरत सकता है तो एक बार मुझे देख लें। मैं इंटेंसिव केयर यूनिट में हूँ। मैं इसके बिना सांस नहीं ले पा रही हूँ। इसे मेरी धमनियों में फिट किया गया है। मेरे हाथ में कैनूला लगा है, एक और कैनूला लगा है। मैं इस वक्त पहले से 10 गुना बेहतर महसूस कर रही हूँ। कैनूला? मुझे पता भी नहीं कितने दिन हो गए। अगर अभी भी कोई सिगरेट पीता है तो उसे ये कम कर देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने फेफड़ों की ज़रूरत होगी। और प्लीज़ आप में से कोई भी लापरवाही मत बरतिए, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी और फिर आप इस जगह पहुँच जाएंगे। आपके मैसेज के लिए शुक्रिया। मेरा शरीर इस खतरे से लड़ रहा है। मैंने कई दिनों से अपने परिवार के सदस्यों को देखा नहीं, लेकिन मैं इससे मुकाबला करूंगी। एक बार फिर कह रही हूं कि आप कोई लापरवाही मत बरतिए। Don't take any chances. लापरवाही किस कदर भयानक हो सकती है, इसका अंदाजा बहुत से लोगों को नहीं है। जाने माने लोग, पढ़े लिखे लोग जिन्होंने दुनिया देखी है, कोरोना वायरस को जब रिपोर्ट नहीं करते, जब सावधानी नहीं बरतते तो क्या होता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। ये शॉकिंग है। फिल्मों की जानी मानी सिंगर कनिका कपूर, जिनका गाना चिट्टियाँ कलाइयाँ, बेबी डॉल सुपरहिट हुआ, दुनिया भर में घूमी है, अवेयर हैं, लेकिन कोरोना वायरस की शिकार होकर आज हॉस्पिटल में है। और जरा सुनिए कि ये क्यों हुआ। वो 10 दिन पहले लंदन से भारत लौटी, उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए थी, अपने आप को होम क्वारंटाइन करना चाहिए था, उनको बताया भी गया था, लेकिन कनिका कपूर ने परवाह नहीं की, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, और हॉस्पिटल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें लापरवाही की। वो तो लखनऊ में पार्टी करने पहुंच गई और किसी को बीमारी के बारे में बताया भी नहीं, अपने माता पिता के घर पे रहीं, अपनी बीमारी छिपाकर खुलेआम घूमती रहीं, लखनऊ के तब रुकी, पार्टियां अटेंड की, 150 से ज़्यादा लोगों से मुलाकात की, सेल्फी खिंचवाई। कुछ तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो बने। कनिका जिस पार्टी में शामिल हुई उसमें कई बड़े नेता थे, बिजनेसमैन थे, सेलिब्रिटीज थे। कनिका कपूर ने लखनऊ में कई सारे छोटे छोटे गेट टुगेदर्स में भी हिस्सा लिया। कनिका ने लखनऊ में होली के फंक्शन में हिस्सा लिया। होली की पार्टी में भी कनिका लोगों से मिलती नजर आई। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पार्टी की है जिसमें कनिका शामिल हुई। पिछले संडे को लखनऊ में ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। अकबर अहमद डंपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, इस पार्टी के होस्ट थे। असम में ये पार्टी उनके डालीबाग वाले घर में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके बेटे दुष्यंत सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। इसी पार्टी में उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर जय प्रताप सिंह के अलावा फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद भी मौजूद थे। फिलहाल कनिका लखनऊ के हॉस्पिटल में हैं, आइसोलेशन में हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके परिवार के सदस्यों को भी आइसोलेशन रखा गया है। आज कनिका ने बताया कि 4 दिन पहले उन्हें फ्लू के सिम्टम्स थे और जांच के बाद कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव निकला, लेकिन जो लोग उनके कॉन्टैक्ट में आए थे अब उन्होंने भी खुद को क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया है। वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह, इन दोनों ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। दुष्यंत की वाइफ निहारिका ने भी खुद को आइसोलेशन में कर लिया है। और ये मामला इसलिए सीरियस है क्योंकि कनिका के पिता का कहना है कि विदेश से लौटने के बाद उनकी बेटी ने कम से कम 3-4 इसी तरह की पार्टियां अटेंड की हैं। यानी अब उन सब लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा जो कनिका के कॉन्टैक्ट में आए थे। फिलहाल जितिन प्रसाद भी अपने पूरे परिवार के साथ आइसोलेशन को फॉलो कर रहे हैं। यूपी के हेल्थ मिनिस्टर भी होम क्वारंटाइन में हैं। उस पूरे इलाके को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है जहां कनिका का घर है। कनिका इस कोरोना की कैरियर बन गई।
और कोरोना सबसे खतरनाक इसीलिए होता है क्योंकि इसका चेन रिएक्शन होता है। इस खतरे को समझने के लिए कनिका कपूर एक एग्जाम्पल बन गई हैं। कनिका की पार्टी में बीजेपी के MP दुष्यंत सिंह मौजूद थे, वो कल पार्लियामेंट गए थे। पता चला कि वहाँ पर वो दूसरे पार्लियामेंटेरियन से जिनमें निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी शामिल हैं, उनके संपर्क में थे। इसके अलावा दुष्यंत सिंह पार्लियामेंट की ट्रांसपोर्ट कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए थे जहाँ उनके बिल्कुल पास TMC के MP डेरेक ओब्रायन बैठे थे। आज डेरेक ओब्रायन ने खुद ये बात बताई, दो दिन पहले दुष्यंत सिंह ने राष्ट्रपति भवन में एक ब्रेकफास्ट मीटिंग अटेंड की थी, यहाँ राष्ट्रपति कोविंद समेत कई सारे केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। अब खबर है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। कल DMK की MP कानीमुजी के घर पर एक गेट टुगेदर था, इस पार्टी में भी दुष्यंत सिंह गए थे। वहाँ अनुप्रिया पटेल फॉर्मर मिनिस्टर मौजूद थी। अब दुष्यंत सिंह के आइसोलेशन में जाने के बाद अनुप्रिया पटेल ने भी खुद को होम क्वारंटाइन किया है और ट्वीट करके बताया है। दीपेंद्र हुडा जो अभी भी राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने दुष्यंत सिंह के साथ लंच किया था, इसलिए आज उन्होंने भी अपने आप को आइसोलेट करने का फैसला किया। वरुण गांधी भी अगले 14 दिन तक घर पर रहेंगे क्योंकि कल पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर के दौरान दुष्यंत उनके पास आकर बैठ गए थे। सबके मन में डर है। राज्यसभा के MP नारायण लाल पटारिया डॉक्टर्स के पास गए हैं, अपना ब्लड सैंपल दिया क्योंकि 18 मार्च को वो दुष्यंत के साथ बैठे थे। ये भी पता चला कि कनिका कपूर की पार्टी में UK पे अलग अलग शहरों से जो लोग आए थे उनको भी इसी तरह का खतरा है। आज डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज तो दे रही है, ऐसे वक्त में पार्लियामेंट की कार्रवाई जारी है, ये ठीक नहीं है, संसद की कार्रवाई को फौरन स्थगित कर देना चाहिए। इतना कहने के बाद डेरेक भी सेल्फ क्वारंटाइन में चले गए। देख लो अभी आप लोग 15-20 आदमियां है सांसद में, हम लोग ऐसा ऐसा बैठता है, अभी बंद करो सांसद, डिफर करो, एक महीना बात करो तुम लोग क्या बिल। और जो डिस्कशन भी हो रहा है सांसद में वो तो कोरोना का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, सिर्फ 3% जो डिस्कशन बहस हुआ पार्लियामेंट में वो कोरोना के ऊपर हुआ। एक दो राज्यसभा का MP वो लोग सेल्फ आइसोलेशन में है। अभी मैं सुन रहा, मेरा दोस्त जो मीडिया में आप लोग बोल रहे हैं, हमको जो एक लोकसभा का MP भी सेल्फ आइसोलेशन में है और वो लोकसभा MP वो मेरे पास बैठा था 3 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट कमेटी के, तो ये सब ठीक नहीं है। लेकिन दूसरे MP निशिकांत दुबे जो BJP के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि दुष्यंत सिंह ने टेस्ट करवाया है और जहां तक उनकी जानकारी है उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है। निशिकांत दुबे ने कहा अगर दुष्यंत को ही कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो जिन लोगों से मिले उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने आप को सेल्फ इम्पोज किया और उनकी जो मदर हैं माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उन्होंने खुद कहा है कि हमारे परिवार ने जो है सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। तो एक जननेता, एक राजनेता होने के कारण क्या करना है वो पूरा परिवार जानता है और मुझे लगता है कि सभी सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और सभी जो काम करना चाहिए कोरोना के बचाव में वो सभी काम कर रहे हैं। उस पार्टी से दिल्ली लौटने के बाद वो संसद भवन भी आए, लोकसभा भी आए, राष्ट्रपति भवन भी गए, आपके साथ भी बैठे वो सबों के। लेकिन जब उन्हीं को कोरोना नहीं है, आप ये समझिए ना किस तरह की अफवाह है, ये मजाक के अलावा और कुछ थोड़े है क्या। आप जिसकी बात कर रहे हो उसको खुद ही कोरोना नहीं है, तो जो जिससे मिला, मान लीजिए कि आप कहें कि निशिकांत दुबे से मिल गया तो आपको कोरोना हो जाएगा, आप सेल्फ क्वारंटाइन कर लो, जब उन्हीं को नहीं है। और कनिका जो है उस कार्यक्रम के बाद, लखनऊ के कार्यक्रम के बाद कई एक जगह विजिट करने के लिए गई, जयपुर गई, दिल्ली गई, कहाँ उसको कोरोना ने पकड़ा या किसके कारण उसको हुआ, नोबडी नोज। तो इसीलिए किसी के ऊपर एक छोटी सी पार्टी को जो है एक तुल दे देना और मुद्दा बना देना, मुझे लगता है कि ये गलत है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग सभी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आगे से अपने को लीड करना चाहिए, और इस तरह की कोई यदि संभावना होगी तो इस देश में कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है या कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि लोगों को संक्रमित करने का विचार करेगा, वो सेल्फ क्वारंटाइन कर लेगा, वो अपना इलाज कराएगा और मुझे लगता है कि सभी कुछ ठीक है। निशिकांत दुबे वैसे तो बहुत समझदार हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कोरोना के खतरे को वो समझ नहीं पाए। चेन रिएक्शन कैसे होता है, एक से दूसरे तक कैसे पहुंचता है, इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर कनिका कपूर के साथ पार्टी में थे जय प्रताप सिंह, सेल्फ आइसोलेशन में हैं। वो कल नोएडा में थे, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में बनाए गए क्वारंटाइन वार्ड का जायज़ा लिया था।
इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा के एमएलए पंकज सिंह के अलावा दादरी और जेवर के विधायक भी शामिल हुए थे। जिले के डीएम और सीडीओ भी मौजूद थे। अब इन सब पर निगरानी रखी जाने की जरूरत है और रखी जा भी रही है। जितने लोग कनिका कपूर के कॉन्टैक्ट में आए, चाहे वो वसुंधरा राजे हों, दुष्यंत सिंह हों, उनका कोई कसूर नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सवाल इतना है, जब देश में कोरोना जैसे वायरस का खतरा है तो फिर उन्हें पार्टी करने की क्या जरूरत थी? निशिकांत दुबे, दीपेंद्र सिंह हुडा जो दुष्यंत के संपर्क में आए, आज आइसोलेशन में हैं, उनका कोई कसूर तो नहीं है, क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम था कि कनिका कपूर को इन्फेक्शन है। लेकिन कोरोना वायरस बहुत क्रूर है, ये किसी को इसलिए नहीं छोड़ देगा कि उसका कोई कसूर नहीं था, उसको कोई गलती नहीं थी। असली प्रॉब्लम है हम लोगों की आदत की, नासमझी की। वैसे तो आज के ज़माने में सब लोग सारी बातें व्हाट्सएप पर करते हैं, फेसबुक पर करते हैं, एक दूसरे को विश भी करते हैं, तो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, बर्थडे भी और अपनी एनिवर्सरी भी। लेकिन जब वाकई में दूर रहने का मौका आया है, दूर रहने की ज़रूरत है, तो पार्टियां कर रहे हैं। वैसे सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, खाना भी फ़ोन पर ऑर्डर करते हैं, लेकिन जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो होटल में भी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में भी खाते हैं। जिस चीज़ के मना किया गया उसे करना हीरोगिरी नहीं, सुसाइडल है। और आश्चर्य होता है कि कनिका कपूर जैसे पढ़े लिखे लोग, अवेयर लोग, दुनिया भर में घूमे हुए लोग ऐसी गलती करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कोरोना के इस खतरे को समझिए। एक व्यक्ति की लापरवाही 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है, 10 लोग 100 लोगों को, और 100 लोग 1000 लोगों को ये इन्फेक्शन दे सकते हैं, और 1000 लोग लाखों को कोरोना वायरस का शिकार बना सकते हैं, महामारी फैला सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कितनी बर्बादी होगी, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को 2-3 बार ध्यान से सुने, समझें, उनकी एक एक बात को इम्प्लीमेंट करें, सोशल डिस्टेंसिंग को समझें। एक दूसरे से दूर रहने में आपका भला है, देश का भला है, इस दुनिया का भला है। हैरानी की बात तो यह कि इस तरह की लापरवाही सरकारी अफसर भी कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको कोलकाता के केस के बारे में बताया था, जॉइंट सेक्रेटरी का बेटा विदेश से लौटा था और खुद को क्वारंटाइन नहीं किया, वो कोरोना वायरस पॉजिटिव था, लेकिन पार्टी में गया, अपनी माँ के साथ सेक्रेटरी चला गया। इसी तरह का केस बेंगलुरु से आज आया सामने, यहाँ एक रेलवे अफसर ने अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, उसे आइसोलेशन में नहीं भेजा, उल्टा रेलवे के गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया। इस दौरान वो कम से कम 60 लोगों के कॉन्टैक्ट में आया। अब इस लड़के को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, उसके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, लेकिन रेलवे ने इस मामले में सख्ती बरतते हुए रेलवे अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। हमारे संवाददाता टी राघवन के पास इस केस की पूरी डिटेल है। किस रेलवे महिला अधिकारी का बेटा, जो जर्मनी में काम करता था, स्पेन के रास्ते 1 सप्ताह पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा था। सरकारी दिशा निर्देशों के बावजूद इन लोगों ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छिपाया। मां ने शेषाद्रीपुरम के रेलवे गेस्ट हाउस में उसके ठहरने का इंतजाम करवाया। 4 दिन तक वो वहां पर था। 5वें दिन उसमें सिम्टम्स डेवलप हुए, जब जाँच की गई तो उसे कोरोना संक्रमित पाया गया, लेकिन तब तक वो रेलवे गेस्ट हाउस में काम करने वाले 7-8 कर्मचारियों के अलावा अपने परिवार के सदस्यों सहित करीब 60 लोगों के संपर्क में आ गया था। अब इन सब लोगों की पहचान की जा रही है, परिवार को पहले ही होम क्वारंटाइन में रख दिया गया है। रेलवे गेस्ट हाउस के कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही इन 4-5 दिन के दौरान ये शख्स जिन जिन लोगों के संपर्क में आया, उन सब का पता लगाया जा रहा है, जो एक बहुत ही चैलेंजिंग बात है। इसीलिए सरकार बार बार ये कह रही है कि जो भी उन देशों से यहाँ पर लौट रहे हैं, जो जहाँ पर कोरोना का संक्रमण है, वो तुरंत यहाँ लौटने के साथ ही, भारत में उतरने के साथ ही अपनी जानकारी साझा करें, तभी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। मैं बार बार लोगों से अपील कर रहा हूँ, अगर आप विदेश से लौटे हैं तो ये बात छुपाइए मत। अगर आप में सिम्टम्स नहीं है तो भी सावधानी बरतिए। ज़रा सोचिए, क्या वजह है कि सरकार ने विदेशों से आने वाली सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है? कितनी गंभीर बात है, कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए अगर आप विदेश से आए हैं, बता दीजिए, खुद को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रख लीजिए, सेल्फ आइसोलेशन में रहिए। लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं।
अहमदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को 7 लोगों की जानकारी मिली है जो कुछ दिन पहले विदेश से लौटे हैं, लेकिन इस सब ने लापरवाही दिखाई, घर पर रहने के बजाय बाहर घूमने निकल गए। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया, इनमें से कुछ लोग तो अपने दफ्तर चले गए, जबकि कुछ ऐसे थे जो दोस्तों के साथ घूम रहे थे। जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया हुआ है उसको लेकर के अब कॉरपोरेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, ताकि वो होम क्वारंटाइन नॉर्म्स हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें। लगातार अब उनके घरों का मेडिकल सर्वे जो है वो भी किया जा रहा है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि वो लोग जो हैं वो अपने घर में ही आइसोलेटेड रहें, जैसे कि यहाँ पे 24 घंटे उनका मॉनिटरिंग किया जाता है। आप देख सकते हैं मेडिकल टीम के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, एक जो व्यक्ति यहाँ परमानेंट डिप्लॉय रहता है वो उनके साथ है, पूरी डिटेल्स उनको दी जा रही हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि 24 आवर्स अब इन लोगों पे निगरानी रखी जाती है कि ये अपने घर में ही हैं और होम क्वारंटाइन नॉर्म्स जो हैं उसका वायलेशन नहीं कर रहे हैं। सभी जितने भी लोग इस वक्त जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है जो विदेशों से लौटे हैं, ये इंश्योर किया जा रहा है कि वो होम क्वारंटाइन जो है उसको प्रॉपरली फॉलो करें और घरों के बाहर ना निकलें, क्योंकि वो अगर घरों से बाहर निकलते हैं और मान लीजिए उनको कोई सिम्टम्स भी अगर नहीं हैं फिर भी अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो वो आगे इन्फेक्शन को कैरी ऑन कर सकते हैं। और अक्सर केसेस में देखा ये गया है कि उनके जो सिम्टम्स हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जब सामने आते हैं तब तक वो उस दौरान कई लोगों को मिल चुके होते हैं, और इसी चीज़ को कॉरपोरेशन को कट करना है। ये आप सब जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस सेकंड स्टेज में है, यानी जो लोग विदेश से लौटे हैं वो इस वायरस के कैरियर थे और उनके जरिए लोकल ट्रांसमिशन के केसेस सामने आए, मगर इसका स्टेज 3 काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर ये वायरस एक बार कम्युनिटी में फैल गया, बड़ी भीड़ में डिटेक्ट होने लगा, तो फिर प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबको मिलकर इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सहयोग करना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आज न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स मिले थे, हम सब ने फैसला किया क्योंकि न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करना हमारा धर्म है, एसेंशियल है, ज़रूरी है ये काम करना, लेकिन कोशिश क्या की है कि हमारे रिपोर्टर्स और हमारे कैमरा पर्सन जो बाहर जाते हैं लोगों से मिलते हैं वो अपना खास ध्यान रखेंगे, लोगों से डिस्टेंस रखेंगे, लेकिन वो जो ब्रॉडकास्ट सेंटर्स हैं, स्टूडियोज़ हैं, यहाँ पर नहीं आएंगे। कम से कम लोगों को स्टूडियोज़ में रखा जाएगा ताकि वो इस वायरस से बचे रहें। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं सब ब्रॉडकास्टर्स से मिल करके, और एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो आपको अंदाज़ा देगा कि कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में किस कदर फैल सकता है। किसी मित्र ने ये वीडियो भेजा है मुझे व्हाट्सएप पर, लेकिन ये अब समझाने वाला चीज है, देखिए इसको। आपने देखा बचाव जरा सा है, छींक आए खांसी आए तो मुंह पर रुमाल रखना, बार बार हाथ धोना, वायरस अपने अंदर ना आ जाए इसका ध्यान रखना, इतनी सी तो बात है, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। हर जगह महाराष्ट्र में इसका बहुत बड़ा खतरा है। उद्धव ठाकरे सरकार ने आज कई सारे फैसले किए, मुंबई, पुणे, नागपुर, पिंपरी, चिंचवाड़, इन सारी जगहों को 31 मार्च तक बाजार और ऑफिस बंद रखने को कहा गया है। हालांकि राशन और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी दुकानें खुली रहेंगी। लोगों से कहा है सरकार ने कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, सभी प्राइवेट ऑफिस भी बंद कर दें, सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 25% कर्मचारी आएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया गया है लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करना पड़ेगा। ये आदेश आज आधी रात से लागू हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का आदेश आधी रात से लागू होना है, लेकिन मुंबई में दोपहर बाद से ही बाजार बंद होने लगे थे। मुंबई के ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट्स पर लोगों को जाने से रोका जा रहा है। मुंबई के सबसे बड़े अट्रैक्शन गेटवे ऑफ इंडिया से हमारे संवाददाता संदीप चौधरी ने एक रिपोर्ट भेजी है। इस वक्त हम गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद है। दो दिनों पहले ही मुंबई पुलिस ने धारा 144 लगा दी गई थी, जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर लोग न जाए, लोग दूरी बनाकर रहे,
आज भी यहाँ पर पूर्णतः एक तरह से सन्नाटा है, जहाँ कई लोग, कई टूरिस्ट यहाँ पर आते थे, तस्वीरें खींचते थे गेटवे ऑफ इंडिया की, पास में ताज होटल है उसकी, लेकिन आज यहाँ भीड़ नहीं है। साफ तौर पर मुंबई पुलिस की एडवाइजरी थी दो दिनों पहले की, और आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फैसला लेते हुए चार प्रमुख महानगरों को महाराष्ट्र के बंद करने की घोषणा की, जिसके साथ ही साथ एक तरफ जो ज़रूरी सेवाएं मुहैया करने वाले दुकानें हैं वो शुरू है, लेकिन जो मुख्य बाजार पेट है, जो मुख्य मार्केट है, वो एक तरह से बंद हो चुकी है, और टूरिस्ट स्पॉट भी कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया पर इस वक्त इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है। मुंबई के साथ साथ दिल्ली पर भी खतरा है, इसलिए आज यहाँ सारे मॉल्स बंद करने का फैसला किया गया। हालांकि जो किराना की, फार्मेसी की और सब्जी की दुकानें वो खुली रहेंगी, लेकिन केजरीवाल ने आईएनए, जनकपुरी और प्रीतमपुरा तीनों दिल्ली हाट बंद करने का फैसला किया। दिल्ली के कारोबारी संगठन सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने अगले 3 दिन के लिए बाजार बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली में तीनों नगर निगमों ने सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पोर्ट्स एकेडमी, क्लब्स और वीकली मार्केट्स को भी बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जनता कर्फ्यू की अपील की है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो ने संडे को यानी 22 मार्च को अपनी सर्विसेज बंद रखने का ऐलान किया है। दिल्ली मेट्रो ने एक स्टेटमेंट दिया और ये बताया, शहर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली के तमाम मॉल जो हैं वो इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिए जा रहे हैं। मैं इस वक्त पूर्वी दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल पे हूँ और ये पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है। तमाम लोग जो अंदर जाना चाह रहे हैं मॉल के, उनको रोका जा रहा है। आप गेट पे देख सकते हैं जो सिक्योरिटी पर्सनल, प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल हैं, वो लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, मॉल बंद हो चुका है। ये देखिए, कुछ लोग जो मॉल के अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे उनको रोका जा रहा है। गेट पे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो थर्मल स्कैनर और साथ में सैनिटाइजर लेके खड़े हैं, ये उनके लिए है आप जो कि यहाँ पे काम करते हैं दरअसल। लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है। कल रात प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह किया था, चेतावनी दी थी और जनता कर्फ्यू की अपील की थी। उसके बाद से देश भर में बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स, सेलिब्रिटीज़, सब लोग कोरोना के खिलाफ अवेयरनेस मुहिम में शामिल हुए हैं। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सब ने बताया कि कोरोना को कैसे हराया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक यंग एक्टर कार्तिक आर्यन का वीडियो दिखाता हूँ और बड़े इफेक्टिव तरीके से इन्होंने बताया कि कोरोना के खतरे से क्यों लड़ना चाहिए, हमारी कमी क्या है, हम कहां पीछे रह जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सब जीनियस हैं। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि हमें किसी की सुननी नहीं। सुबह शाम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देखने, लेकिन जब 2 हफ्ते घर बैठने को मिल रहा है तो हमें काम पे जाना है। प्रेजेंटेशन, सबमिशन, रिपोर्ट, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। जब मीटिंग में फोन नीचे छुपा छुपा के टिकटॉक इंस्टा करते हो तब नहीं गिरती इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने ठेका लिया है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलके संभाल लेंगे। और जो लोग पार्क में वॉक करने के लिए निकल लिए ना, फूफा जी के घर पे जा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, टर्फ पे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं चालू हो गई हैं, कुछ तो शर्म कर लो। आईपीएल, प्रीमियर लीग, एनबीए, F1, कॉलेज, स्कूल सब बंद हो गए। अरे भाई पिक्चरों की रिलीजें रुक गई हैं, लेकिन आप नहीं रुकोगे। रेस्टोरेंट्स, पब वाले टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा, या इनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट्स 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। अरे निब्बा निब्बियो, एक एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। फिल्टर लगा लगा के अपने फोटोज पे कैप्शन डालेंगे, स्ट्रॉबेरीज, न्यूट्रेला, फ्रोजन योगर्ट हेल्पिंग मी बीट दिस कोरोना स्ट्रेस। अरे असली कोरोना स्ट्रेस तो शुरू भी नहीं हुआ है, Phase 3 पहुंच गया ना एक बार तो उसी फोन पे गूगल करके देख लो, चाइना और इटली की न्यूज देख लो, समझ में आ जाएगा कोरोना का स्ट्रेस होता क्या है। जब मोदी जी बोल रहे हैं, ट्रंप भाई साहब बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, कुछ दिन दूर रह लो, तो सुन लो ना, इनको आता है। डॉक्टर फौकी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है वायरसों का, वो भी बोल रहा है कि अगर ओवर रिएक्शन भी लग रहा है ना तो भी घर बैठो। और यहाँ लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के आ रहे हैं जुहू बीच पर पाव भाजी खाने। फौकी देख लेगा ना तो नौकरी छोड़ देगा, डिप्रेशन में आ जाएगा बेचारा, और यही करते रहे ना तो ट्रेनें भी बंद हो जाएंगी। इटली वीडियो बना बना के भेज रहा था दुनिया को कि उन लोगों को बता पाए कि इन लोगों ने 10 दिन तक क्या गलतियां की।
हम वही कर रहे हैं अभी। दोस्त फोन करके ड्राइव पे जाने के लिए बोले ना तो उसको भर भर के गाली दो, खुद भी बैठो और सबको बोलो घर बैठे अपने अपने, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबको बताते जाओ जब तक कि गवर्नमेंट कोई गुड न्यूज नहीं बताती। इलाज बन रहे हैं, वैक्सीन ट्रायल में जा चुके हैं, सब पे एक साथ आई है मुसीबत, सब एक साथ मिलेंगे तो निकल जाएंगे इसमें से। खुद पे और दूसरों पे भरोसा करो ना, प्लीज पार्टी मत करो ना, ट्रैवल मत करो ना, लोगों को मत मिलो ना, नेटफ्लिक्स अकेले करो ना, घर से काम करो ना, घर पे काम करो ना, घर के काम करो ना, अभी शादी मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, मेडिटेट करो ना, वीडियो कॉल करो ना, हैंड वॉश करो ना, फेस टच मत करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, GF BF को अभी मत मिलो ना, नमस्ते करो ना, सबसे दूर रहो ना, कोरोना स्टॉप करो ना। कम से कम इनकी बात सुन के समझ लीजिए, आपने देखा भी मैंने देखा है कि पार्टी करने वालों का क्या हाल हुआ, लोगों से मिलने वाले किस तरह मुसीबत में फंस गए। ये बात सही है कि साथ मिलकर लड़ेंगे तो बच सकते हैं, लेकिन लोग तैयार नहीं हैं, लोग कॉपरेट करने को तैयार नहीं हैं, ये बताने को तैयार नहीं कि विदेश से आए थे। और विदेशों से जो लोग आए हैं वो जब तक सेल्फ आइसोलेशन में नहीं जाएंगे खतरा बना रहेगा। ऐसे लोगों को अक्षय कुमार ने क्या कहा ये सुनिए। मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफर से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में है, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं। किस तरह की सोच है, क्या मानसिकता है, क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवरटाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है कोई, हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली रेस, पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा, ना सिर्फ खुद जीतेगा बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। BMC इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है, बैज ऑफ ऑनर, क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए, इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहाँ है, सोचिए और समझिए। नमस्कार। अक्षय ने ठीक कहा, थोड़े दिन की बात है, पार्टियां नहीं करेंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन घर पर रहें, बाहर तभी निकलें जब ज़रूरी हो, लोगों से ना मिलें, टाइम अपने परिवार के साथ बिताएं तो कुछ नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर ने आज कुछ नसीहतें दी, वो भी सुन लीजिए। हम सब कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं, कुछ बातों का ध्यान हम सब रख सकते हैं। पहली बात, भीड़ की जगहों पर सोशल फंक्शंस में ना जाएं और अगले कुछ समय तक ज़रूरत ना हो तो लोगों से ना मिलें, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि कोई बीमार है, उसे बुखार है, कोई खांसी है, तो उसे दूरी बनाए रखें। अगर आपको खुद को बुखार और खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं या हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। तीसरी बात, अपने हाथ बहते पानी के नीचे साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक, जितनी बार हो सके उतनी बार धोएं। चौथी बात, घबराएं नहीं, अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास ना कीजिए। किसी भी शंका को दूर करने के लिए कॉल करें इस नंबर पर या लॉग ऑन करें इस वेबसाइट पर। आखिरी बात, ये किसी को भी हो सकता है, इसे नज़रअंदाज ना करें। कोरोना वायरस को हराया जा सकता है और हम सब मिलकर इसके फैलने के तरीके को समझकर इसे हरा सकते हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपने घर पर हैं,
दोनों वैसे बहुत बिजी रहते हैं, उनको क्रिकेट से फुर्सत नहीं मिलती, इन्हें एक्टिंग से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन वक्त ऐसा है इन्हें घर में रहना पड़ रहा है और इनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना से लड़ने में सबसे अहम रोल निभा सकता है। We know we're all going through a very difficult time. And the only way to stop the spread of coronavirus is by acting together. We are staying at home for our safety and for everyone else as well. And you should do it too, to prevent the further spread of the virus. Let's make it safe for us and everyone else by self-isolation. Stay home and stay healthy. इतने सारे लोग, इतने बड़े-बड़े लोग, celebrities, film stars, प्रधानमंत्री सब कह रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, यह संकट बहुत बड़ा है। और यह संकट कैसे हल होता है, इसका उदाहरण हमें चीन और जापान से सुनने को मिला। चीन ने कोशिश की, लोगों ने मदद की, आज हालत यह है कि चीन में लगातार दूसरे दिन एक भी नया केस डिटेक्ट नहीं हुआ। जो 34 नए केस डिटेक्ट हुए वो सब बाहर से आए हुए लोगों के थे। जापान ने मार्च के शुरू में ही सारे स्कूल बंद कर दिए थे। आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने संकेत दिए अप्रैल के शुरू में सारे स्कूल फिर से खुल जाएंगे। चाइना के रेड क्रॉस चीफ ने कहा कि चीन ने जिस तरह से कड़ाई के साथ लॉकडाउन लागू किया वैसा इटली ने नहीं किया, इस वजह से वहां वायरस तेजी से फैला। जैसा मैंने आपको शुरू बताया था, हाल यह कि इटली में आज इतने लोग मरे हैं जिनका नंबर चीन से ज्यादा है। हर 3 मिनट में किसी की मौत हो जाती है। चीन के लोगों का कहना है कि इटली के कई शहरों में अब भी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, बसें चल रही हैं, इसलिए खतरा बना हुआ है। सऊदी अरब में मक्का की पवित्र काबा मस्जिद और पैगंबर मोहम्मद साहब की मस्जिद में बाहर के लोगों के लिए नमाज बंद कर दी गई है। एक और खबर इंग्लैंड से आई जो राहत देने वाली है। यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है, ट्रायल शुरू कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि इसे बाजार में आने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। अमेरिका में, चीन में, जर्मनी में भी वैक्सीन पर काम हो रहा है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। कोरोना वैक्सीन पर काम तो भारत में भी हो रहा है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, तब तक संभल के रहने की जरूरत है। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया था कोरोना के वायरस को, इसके खतरे को न उन्होंने छुपाया, न कम करके बताया, न डराया, बस समझाया और रास्ता दिखाया। यही रास्ता हम सबको बचा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग। मैं आपको फिर से कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की जो कॉल दी है उसको याद रखिए, दूसरों को याद दिलाइए, लोगों को फोन करिए, कहिए ये कर्फ्यू नहीं, केयर फॉर यू है, आपका ख्याल रखने की जरूरत है। 2-4 खबरें राजनीति की बता दें। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है और इस्तीफा देने के बाद कमलनाथ ने क्या कहा, इसकी बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज की एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आई जहां पर कमलनाथ की सरकार की विदाई हो गई। कल मैंने आपसे कहा था कि कमलनाथ इस्तीफा दे देंगे, वो विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं करेंगे, उसकी कोशिश भी नहीं करेंगे, और कमलनाथ ने यही किया। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्तीफा दे दिया। उन्होंने फ्लोर टेस्ट की चिंता की का वेट नहीं किया और इस्तीफे का ऐलान किया। और बीजेपी पर कांग्रेस के 22 विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करके उनकी सरकार को गिराने का खेल खेला जा रहा था। कमलनाथ के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति करी, मैंने मूल्यों की राजनीति करी
और मैंने हमेशा कहा और पूरा मीडिया और पूरी जनता गवाह कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई नहीं मेरे ऊपर उंगली उठा सका। मेरे 40 साल में जब मैं सांसद रहा कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सका। सबको लगता था कमलनाथ जोड़ तोड़ के माहिर हैं, किसी न किसी तरीके से सरकार बचा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पूरे मामले के हीरो शिवराज सिंह चौहान हैं, बीजेपी के नेता, उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। हार और जीत का सवाल नहीं है। एक ऐसी सरकार जो अत्याचार और भ्रष्टाचार आतंक का प्रतीक बन चुकी थी आज वो धराशायी हुई, और कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कारण खुद कांग्रेस का अंतर विरोध है। हमने तो पहले दिन से कहा था जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला लेकिन हमें थोड़ी सी सीटें कम मिली, बहुत थोड़ा सा अंतर था वोट ज़्यादा मिलने के बावजूद भी, तब भी हमने कहा था कि हम किसी सरकार को गिराएंगे नहीं। लेकिन प्रदेश की हालत ये हो गई कि जनता त्राही त्राही कर उठी, समाज का हर तबका परेशान हो गया, भ्रष्टाचार का गढ़ मध्य प्रदेश बन गया, और तब कांग्रेस में ही विद्रोह के और विरोध के स्वर उठे और कहा कि ये तो वचन भी पूरे नहीं कर रहे और जनता भी त्रस्त और परेशान है। और जब उन्हें ध्यान दिलाया तो उनसे कह दिया गया कि जो करना हो कर लो। इसलिए जो परिस्थिति पैदा हुई वो कांग्रेस के कारण पैदा हुई। आगे की रणनीति क्या है, कब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, कब विधायक दल की बैठक हो रही है? आगे जो करना है वो भारतीय जनता पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे और जो वो तय करेंगे हम सब लोग उसका पालन करेंगे। मध्य प्रदेश में जो होना था वो हुआ और ये तो होना ही था। जिस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी उसी दिन साफ हो गया था कि कमलनाथ की सरकार बचना मुश्किल है। आश्चर्य तो इस बात का है कि आज बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश क्यों नहीं किया। इसमें तो कोई शक नहीं कि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, MLAs उनके साथ हैं, पार्टी के वर्कर उनके साथ हैं, तो नेता तो तय है, फिर देर क्यों। पिछले कई दिन से बीजेपी के नेता कह रहे थे कि मध्य प्रदेश को बीजेपी की सरकार चाहिए, जल्दी चाहिए, अब दावा पेश करने में देरी क्यों, ये थोड़े अचरज की बात है। निर्भया के कातिलों को आज फांसी पर लटका दिया गया। इंसाफ की जंग जीतने के बाद निर्भया की मां ने क्या कहा ये देखेंगे ब्रेक के बाद। निर्भया के परिवार को 7 साल बाद आज इंसाफ मिला। गुनहगारों को आज फांसी पर लटका दिया गया। चारों गुनहगारों को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। दोषियों ने आखिरी मौके तक सजा को टालने की कोशिश की। डेथ वारंट पर रोक लगवाने के लिए उनके वकील पहले दिल्ली हाईकोर्ट गए और वहां से पटिशन खारिज होने के बाद आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में रात को सुनवाई की और सुबह करीब 3:30 बजे चारों दोषियों की पटिशन को खारिज कर दिया। और इसके बाद सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह, मुकेश सिंह और पवन गुप्ता को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दोषियों को फांसी दी जाने की खबर के बाद लोगों ने तिहाड़ जेल के बाहर मिठाई बांटी। निर्भया की मां आशा देवी ने कहा उन्होंने इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, आज जब दोषियों को फांसी दी गई तब उन्हें लगा उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया। रात पूरे रात तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थे और जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हुई तो घर आए तो थोड़े ही देर बाद टीवी पे दिखाया गया कि नहीं उनको फांसी पे लटका दिया गया। तो मैं सबसे पहले बेटी के तस्वीर के सामने गई और हाथ जोड़ा और हमने उनसे ये कहा कि बेटा आज फाइनली आपको इंसाफ मिला, जिस लोगों ने आपके साथ दरिंदगी की थी 7 साल पहले आप इस दुनिया में नहीं हैं, आज उन दरिंदों को फांसी पे लटकाया गया और फाइनली आपको इंसाफ मिला। निर्भया को तो इंसाफ मिल गया लेकिन बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। ऐसा जघन्य अपराध करने वाला एक दरिंदा आज भी जिंदा है, वो इसलिए बच गया क्योंकि वो उस वक्त नाबालिग था जब यह अपराध हुआ था। तो क्या नाबालिग को ऐसे अपराध करने पर वही सजा नहीं मिलनी चाहिए थी जो बालिगों को मिली? और जो बालिग थे उनको भी फांसी पर लटकाने में 5 साल लग गए।
पूरी दुनिया के सामने एक वकील ने सबको नचा दिया। कल रात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर अपराधियों को बचाने की फिर कोशिश की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मीडिया का प्रेशर न होता, समाज इतना जागरूक न होता, इस केस को लेकर हमारे जज इतने अलर्ट न होते, तो शायद ये अपराधी कुछ दिन और फांसी के फंदे से बचे रहते। इसलिए कानून में ऐसे बदलाव की ज़रूरत है, चाहे जुवेनाइल हो या एडल्ट, जो ऐसा जघन्य अपराध करें उन्हें सजा मिलने के 6 महीने के अंदर फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए न क्यूरेटिव पिटीशन होनी चाहिए न कोई मर्सी पिटीशन। आज की बात में इतना ही। अब हुसैन रिजवी के साथ देखिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिंगर कनिका कपूर की गलती किस तरह